evening everyone, this is Amit Kumar Tripathi, the Max, welcoming you to this channel. Good evening everyone, this is Amit Kumar Tripathi, the Max, welcoming you to this channel. So it is 1st October 2020 and I am feeling a little bit better, not completely. Don't worry. ये नहीं कि मैंने पहले का कुछ वीडियो बनाया नहीं है, अभी लास्ट 3 दिन का थोड़ा बहुत वीडियो कुछ कुछ है, आप लोग पास में जाइए और देखे आ जाइए, उसके बाद हम अभी 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पे क्लाइमेट एकदम मतलब कंप्लीट क्लाउडी दिख रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और हवा भी नहीं है। खैर देखते हैं आगे होता क्या है, अभी तो क्लाउडी है, कूल लग रहा है लेकिन इसके बाद शायद धूप आ जाए, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, पसीने पसीने में या थोड़ा बैलेंस हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमित कुमार त्रिपाठी द मैक्स, वेलकमिंग यू टू दिस चैनल। इस कपड़े में क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वर्कआउट कर रहा था और क्या करूँ, बाहर जाना है अभी, थोड़ा सा काम है बाहर जाने के लिए और जाएंगे फिर वापस आते हैं, फिर देखते हैं दिन भर का आज होता क्या है। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुम्हें पाना। कैसा लंबा होके सोया हुआ है, आप लोगों को लगता होगा कितनी बड़ी बिल्ली है लेकिन ये एक्चुअली इतनी सी है, देखो मेरे हाथ से भी छोटा। खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम आ जिंदगी में आना, सनम जन्म
हमारा गाउन हमारा गाल हमारा और हाथ तुम्हारा बहुत नाइंसाफी है ना ना सीधा नहीं तेरा बायोडेटा मेरा लिपस्टिक से लिखना है मुझे हर एक हसीना के बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखना है जरा जी हजूरी मैं करता हूँ जरूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूँ ओ लेडीज ओ क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर ओ क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर आज हो तो रहा है काफी ज्यादा भाग दौड़ लेकिन बता नहीं सकता कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ समथिंग पर्सनल और अभी फिर से जाना है उसके बाद वापस आऊँगा फिर मतलब टाइम नहीं दे पाया पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया जो सुबह हुआ था बस अच्छा बच्चा बनके एक्सरसाइज वगैरह किया पढ़ाई किया उसके बाद बस भाग ही रहा हूँ दिन भर आज भाग ही रहा हूँ बस इधर उधर कभी मेडिसिन के लिए कभी कुछ और फिर जो भी है अभी लास्ट शायद अभी जाना पड़ेगा एक बार उसके बाद वापस आएंगे फिर आपसे बात करता हूँ आँखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं ऐसी सफाई है मेरी एंट्री है फूंक सी एग्जिट तूफान है ये मुंह दिखाई है मेरी खोलूं हर तिजोरी हाँ मैं तो हूँ मशहूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूँ ओ लेडीज क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर ओ क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर So, वापस आते ही शायद आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि पता नहीं वापस आते आते कितना टाइम लग जाएगा सो या टेक केयर सी यू सून धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी I do it for a living, call me पाखंडी सिर्फ कैश और ऐश मैं न जानू मंदी मैं हूँ मुंडा बड़ा चंगा लेकिन नियत गंदी अभी दो दिन हो गए आई हैवंट स्टूड एनीथिंग बिकॉज आई एम कंप्लीटली सिक एंड आई हैड टू गो फॉर बेड रेस्ट एंड दिस इज इट अभी दो तीन दिन हो गए शायद मैंने कुछ अपलोड नहीं किया कुछ इवन शूट भी नहीं किया जो भी एक शूट किया था उसको मैंने एडिट तक नहीं किया वो अभी तक वही का वही है और आज का और अगर हो सके आज का या फिर कल का ये तीनों डेज का मैं मिला के एक ब्लॉग डालने वाला हूँ और इसके बीच में जो है जो मैंने शूट भी नहीं किया उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सो या स्टे ट्यून्ड सो यू आर बैक Okay, all right. There are some issues, from health issues to mental issues to family issues, everything. That's why I was a bit angry and frustrated in my last vlog you have seen. And now I'm a bit sick, maybe because of too much of travel. And as you can see, there is a hectic day. Maybe because of works, because of overworks and some mental tensions, family tensions. And as I have traveled to another city, Nayagarh, for some of my personal works, And even I have said in my last vlog that I am a bit tensed, been for some of my family issues, some of my own issues. As you can see, my eyes are a little bit, red. My eyes look red just because of all these travels and hectic time overworks. So after all these things, now I am feeling a little bit better, but still I am not completely okay. So one thing I can assure you that from tomorrow I will be uploading daily vlog, so don't worry. And from tomorrow onwards, I am going to start a new day with a new spirit, with a new manageable routine. I will give time to everything, whether it is study, my blog, my work, and family, friends, all that, and I will give time to everything. And yeah, one important thing is also exercise. I will do that. And so, see you tomorrow. So, good night, sweet dreams. Sayonara, take care. Lots of love. And if you like this video, then make sure to hit the subscribe button and press the bell icon right next to it. Thank you so much. आप भी चलिए कल मिलते हैं।